सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस मैं सोच रहा था, आपको पता है कि किसी भी फाइट को लड़ने का सबसे मुश्किल भाई स्टेप कौन सा रहता है? तो गाइस जब कोई भी चुनौती हमारे जीवन में आती है ना, तो सबसे मुश्किल जो पड़ाव होता है ना, वो होता है वो पहला स्टेप उठाना कि मैं इसे लड़ूंगा, मैं इसके साथ संघर्ष करूंगा और इसके लड़ के इसको आगे लेके जाऊंगा और आगे जाके अपनी भाई झंडा गाड़ के सबसे आगे चलता चलूंगा भाई। ये सबसे बड़ा स्टेप होता है। तो आज भाई जो भी बच्चा, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है ना, उसने अपने लिए टारगेट 80+, भाई देखो 80 मार्क्स का टारगेट अपने लिए अचीव कर लिया, वो 80 के मार्क्स के आसपास जरूर जरूर जाएगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करने वाला है अभी हम लोग। तो चलो गाइस, बिना किसी तरीके, मेरा नाम अंकित उपाध्याय और मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो चलो गाइस देखो, चैप्टर का नाम है भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बहुत लोग सोचोगे यार क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होती है इक्वेशंस, तो मैं दोनों चीजों को इस चीज में भाई बताता चलूंगा वीडियो के अंदर क्या क्या चल रहा है। देखो ये चैप्टर पूरा आ रहा है, इसमें कोई भी भाई एडिटिंग नहीं है कि ये वाला पार्ट हट रहा है, ये वाला पार्ट हट रहा है, पूरा कंप्लीट चैप्टर आने वाला है। तो सबसे बेसिक चीज से मैं स्टेप करूंगा, बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूं, पूरी एंड तक देखना, समझ आएगी, इतना मजा आने वाला है इसके अंदर। देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या ये केमिकल रिएक्शन है या ये कोई फिजिकल रिएक्शन है? तो आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज। या फिर अगला देख लो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। थर्ड वाला आप देखो क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब एक ग्लास पानी लो, उसमें चीनी डालो, ऐसे ऐसे घोल दो, तो बताओ क्या है ये। फिर अगला वाला डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, मैं खाना खाता हूं और खाना मेरी बॉडी के अंदर कैसे पच रहा है, वो कौन सा रिएक्शन होगा भाई? सोचो फिजिकल के केमिकल। अगला है बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, फिर अगला रस्टिंग ऑफ आयरन। तो गाइस देखो रिएक्शंस ना दो तरीके के होते हैं, ये आपको एग्जांपल दिया, आपको बताना होगा। एक होता है फिजिकल रिएक्शन, कुछ ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको कोई नया नई चीज मिलती, कोई भी चीज नई नहीं मिलती, जो चीज थी वो वैसे ही कुछ स्टेट चेंज या कुछ भी ऐसा बदलाव आ जाएगा, लेकिन वो वापस उस स्टेट में दोबारा आ जाएगी आपको, मतलब कुछ केमिकल्स के इसमें चेंज नहीं हुआ। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहां से आपको समझ आएगा असली मेन डिफरेंस। देखो और केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स में रीअरेंजमेंट होता है, कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट या कुछ नया नेचर का आपको चीज मिलती है जो कि पहले कभी भी नहीं थी, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो देखो गाइस वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि देखो नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, इसके अंदर कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता जिसकी कोई नई प्रॉपर्टी हो, वो सेम का सेम वही पुराना जो पड़ा हुआ था, सब कसम वही चलता रहता है। लेकिन जो हमारा केमिकल रिएक्शन है भाई, देखो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। देखो इसमें क्या होगा, एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा, मतलब एक नई तरीके केमिकल सब्सटेंस बनेगा जो कि बिल्कुल अलग होगा, मतलब देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी केमिकल सब्सटेंस की एक अलग केमिकल सब्सटेंस के अंदर। एग्जांपल देख लो भाई, कुकिंग ऑफ फूड, आपने कुछ बनाया वेजिटेबल या कुछ लिया, कुछ लिया मस्टर्ड ऑयल डाला, कुछ भी ऑयल डाल के एक नया चीज बनाती, वो अब रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आपको बतानी थी। तो गाइस जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे ना कि भाई ये केमिकल है कि फिजिकल है, वो यहाँ पर सॉर्ट होते हैं। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो आपने आइस ली, आइस को पिघला दिया भाई, थोड़ा टेम्परेचर में हीट दी, आइस को पिघला दिया। अब पिघलने के बाद क्या होगा, वो आइस पिघलेगी 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 वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या इसमें कोई आपको नया चीज मिली जो कि उसके प्रॉपर्टी चेंज हो गई हो, कुछ ऐसा कुछ मिला कि भाई रिवर्सिबल ना हो, कुछ ऐसी नई कॉम्बिनेशन मिला केमिकल, कुछ रीअरेंजमेंट हुआ, कुछ ऐसा अलग ही चीज हो गई, अलग तो नहीं हुई, आप उसको वापस ले सकते हो दोबारा से। तो ये क्या हुआ आपके लिए, फिजिकल चीज। अगला देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर दोगे और वो रिवर्सिबल है, दोबारा भी वो आ जाएगा उस फॉर्म के अंदर, तो कुछ ऐसे नया केमिकल चेंज नहीं हुआ, नई वाली चीज नहीं बन पाई, ठीक है? अगला देखो डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आपने शुगर को लिया पानी में डाला ऐसे ऐसे घोल दिया। आपको ना ये बात पता होनी चाहिए, जब लिक्विड होता है ना, लिक्विड के बीच मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ऐसे करते करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ना, कुछ जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल है और जैसे मेरी नाक मुंह देख रहे ना आप, यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर इधर क्या होगा, कुछ जगह बनी हुई है, तो उसमें आपके शुगर मॉलिक्यूल एंट्रैप हो जाता है और वहां पर रहता है। बस अब आपने क्या किया, आप घोल रहे हो, तो घोल के बस वो चीनी और पानी का सॉल्यूशन बन गया, वैसा नया चेंज नहीं हुआ, आप उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हो, पानी उड़ा दो, चीनी चीनी फिर से मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। लेकिन आखिरी के जो तीन है, क्या डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, ये केमिकल चेंज, आपको पता है ना कि जैसे हमने खाना पचाया आपको कार्ब प्रोटीन विटामिंस विटामिन जो भी चीज आपको अलग अलग सेपरेट आउट करके अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, ये एक अलग चेंज है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। अगला वाला देखो भाई बहुत आसान, बर्निंग ऑफ कोल, आपको पता है लगाया जलाया एक नया प्रोडक्ट मिल गया भाई। अगला रस्टिंग ऑफ आयरन, कुछ और था जलाने के बाद कुछ और बन गया, खत्म। तो गाइज आई होप ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, मैं इस वीडियो में आपको ज्यादा भाई नई नई चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइज देखो पहली क्लास है, पहली जो इस वीडियो को देखेगा और आगे तक साथ चलता चलेगा ना भाई, वो बंदा बहुत आगे जाने वाला है।
मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इस चीज के अंदर मैं आपको एक एक ऐसा भाई मास्टर कर दूंगा ना चीज के लिए। ये 10th क्लास आप बोलोगे मेरी बेस्ट क्लास थी और साइंस सब्जेक्ट आप बोलोगे मेरा बेस्ट सब्जेक्ट रहा था। और आप में से कई लोग होंगे जो देश का भविष्य है, वही लोग आगे जाके साइंस लेंगे, शायद 11th 12th में साइंस लेंगे, कुछ और आगे करेंगे और नई खोज उत्पन्न करेंगे। तो गाइस आई थिंक आप भाई पूरे पम्ड अप हो चुके हैं भाई क्या क्या आगे चलने वाला है चैप्टर के अंदर, क्या क्या होने वाला है। तो बस जुड़े रहो, मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो भाई ये क्या नई चीज आ गई भाई, जिंक रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है गाइस। देखो तो मैंने इसके लिए डायग्राम बना के अपने तैयार रखा हुआ, क्या आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये एक आपने कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ, ये जो चीज दिख रही है आपको, मैं आपको यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए चलिए तो देखो ये आपने कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है, ठीक है। अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या लिया, जिंक होता है, जिंक के ग्रैन्यूल्स आपने से डाल दिए। देखो ये देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है ये सारे के सारे जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं। आपने क्या किया, ग्रैन्यूल्स लिए और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड अपने लोट डाल दिए। आप क्या होगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपने क्या डाला, जिंक डाला, रिएक्शन हुआ, बहुत अच्छा रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन में क्या होगा, धीरे धीरे जो जिंक है ना, ये सल्फेट जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में पड़े हुए सल्फर के साथ अंदर सल्फेट का रिएक्शन करेगा और खुद को कन्वर्ट करेगा इसके अंदर जिंक सल्फेट के अंदर। देखो गाइस जिंक था, पड़ा हुआ था, ये रहा जिंक, और आपने इसको किसमें डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, और इसने क्या बना लिया, ZnSO4, मतलब जिंक ने SO4 का रिएक्शन करके अपने आप को मतलब मिला लिया और बना लिया जिंक सल्फेट। और साथ में क्या निकला, एक हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस ऐसे करके बाहर जाएगी और आप यहां से देख लोगे भाई हाइड्रोजन गैस जा रही है, आप पता लगा सकते हो। तो ये क्या है, एक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा एक केमिकल रिएक्शन, नॉट अ फिजिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो। इसमें एक नई चीज बनी, एक नई प्रोडक्ट बना, नई केमिकल नेचर वाला, उसको प्रॉपर्टीज ही अलग होगी उस चीज। देखो समझ गया ना गाइस, मैं इतना एम्फसिस कर रहा हूं कि आपको एक एक बार में बता रहा हूं, ये चीज देखो दनादन देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मानो, बिल्कुल क्लियर। तो देखो वही सिंपल चीज है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि जिंक लिया, जिंक की प्रॉपर्टी अलग होगी जब जिंक सल्फेट बन गया सल्फर के साथ, और ना ही इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज नहीं, ना ही सिर्फ जिंक की प्रॉपर्टी, कंबाइंड होगी जिंक सल्फेट, एक नई प्रॉपर्टी वाला, एक नया केमिकल नेचर वाला, एक नया सब्सटेंस बन गया। चलो गाइस एक ये वाला एग्जांपल देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अच्छा ये क्या है, अच्छा गाइस है क्या ये चीज, ये चैप्टर का एक फंडामेंटल है बहुत बड़ा, एक क्वेश्चन बहुत रिकरिंग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी आ जाता है, इंडेक्स का क्वेश्चन है, पेज नंबर 4 पे देखिए एनसीईआरटी के, वहां भी पड़ा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि आपने कह लिया एक बर्नर लिया, देख रहे हैं बर्सन बर्नर कहते हैं इनको, आपने कोई बर्नर लिया और आपने ना एक मैग्नीशियम को लिया और ऐसे करके पकड़ लिया किसी भी चीज से, ठीक है, मतलब चिमटे कहते हैं टोंगे से हमने पकड़ लिया और अब उसको जला रही हूँ नीचे, ठीक है। अब जलाने से क्या होता है, जब आप उसको जलाएंगे तो क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। अब वो रिएक्शन आपको पता है क्या होंगे, अभी पता चल जाएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उससे पता चल जाएगा। जब उसको जलाया ना, तो यहाँ पर ना जलाने के बाद आप देखेंगे जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, बहुत ही डिजलिंग, बहुत ही चमकती लाइट से चलता है, जैसे फुल जड़ी जलती है ना, काइंड ऑफ उस रियल लाइट से चलता है। और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चाइना डिश के अंदर क्या मिल जाएगा, वॉच ग्लास ले लो, उसके अंदर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि एक नया प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट यानी कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, जब भी तो कोई नई प्रॉपर्टी का नया प्रोडक्ट मिल गया है। तो ये था सीक्रेट इस चैप्टर का बेसिक मतलब था, आप समझोगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखो गाइस मैं रिएक्शन बताता हूँ, एक मेटल था, मैग्नीशियम आपने लिया, आप उसको आपने रिएक्ट किया। देखो आप ये बात को याद रखना, जब कभी आप कंबर्शन रिएक्शन मतलब किसी चीज को जलाएंगे ना, जलाने से क्या होता है, वो हमेशा देखो हवा में सबसे ज्यादा जो चीज है वो है एयर, नाइट्रोजन को ऑक्साइड रखते हैं, रिएक्टिव होती है सबसे ज्यादा एयर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस कौन सी है, एयर, वो रिएक्ट करती है किसके साथ, कोई भी चीज आप जला रहे हो तो कंबिनेशन है, मतलब कुछ भी कंबर्शन रिएक्शन होता है, जला के एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है, जनरली केस में क्या बनता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ, मैग्नीशियम लिया, हवा में भाई जलाया गया, तो हवा में जलाया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जो यहां से चुपक गई, चुपक के इसके साथ रिएक्शन करने लग गई और यहाँ पर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये एक नया प्रोडक्ट है, नई प्रॉपर्टी के साथ भाई चमत्कारी प्रोडक्ट बन गया आपके सामने। तो गाइस एक क्वेश्चन जो आपको बताता था, पहले रेडी रहना है, वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था, देखो गाइस, जब भी आपने उसको एयर की प्रेजेंस में जलाया ना, तो आपको ये मिल गया, आपने देखा ये MgO मिल गया, ये ट्रायंगल जो दिखाया ना मैंने, ये हीट का साइन है। ये मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सिंबल्स कैसे लिखते हैं, ये एरो किस लिए होता है, सिंबल्स को याद कैसे रखें, वो सब
मेरी जिम्मेदारी, मैंने बोला ना भाई, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके चैप्टर की जिम्मेदारी, आपके सिलेबस की जिम्मेदारी सारी की सारी मेरी है, तो मैं वो करके दिखाऊंगा। ये मेरी भाई डेडिकेशन आपके साथ, और मेरे साथ आप जुड़े रहो, लॉयलिटी आप मेरे साथ दो, मैं आपको 100% लॉयल रहूंगा, और ये चैप्टर और सारे सारा सिलेबस खत्म होके गाइस आप जब टाइम आएगा ना, रिजल्ट आप डालोगे, रिजल्ट रोल नंबर पर एंटर करोगे, तो आप याद करोगे श्रीराम कोचिंग क्लास में अंकित उपाध्याय सर ने कुछ कहा था अंकित सर ने, और आज आपके रिजल्ट में वो कह रहा है। तो गाइस उस दिन, वो दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा और वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो गाइस उस दिन के लिए हम आज से मेहनत करेंगे और आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नहीं पढ़ा पहले भूल जाओ, अब के अब पढ़ेंगे और चैप्टर को यूं खत्म करेंगे। तो गाइस देखो क्वेश्चन था कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को लेते हो ना, तो आप उसको क्या होते हैं, रब करते हो सैंड पेपर से। अब हम रब क्यों करते हैं, रब का प्रोसेस क्या होता है, आप उसको क्लीन करते हो, लेकिन ऐसे रब करो इससे क्या होगा, जब वो क्लीन हो जाएगा ना, क्या होता है उसके ऊपर ना थोड़ी एक लेयर बन जाती है, थोड़ी सी एक लेयर, देखो मैंने आपको दिखाया भी है। दिस इज डन टू रिमूव अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसके ऊपर ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है उसको हटाने के लिए, उसको ऐसे हटा देते हैं और फिर उसको जलाते हैं। भाई जलाने से क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और आपको मिल जाता है। तो ये था एक केमिकल रिएक्शन। देखो गाइस अपने एक स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूं, देखो क्या स्टैंडर्ड है वो आपको यहां दिखा रहा हूं। क्या जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो आपको शॉर्टकट याद रखना है, क्या CGST। अब इसका मतलब क्या होता है CGST, ये क्या है, GST तो हमने सुना था, लेकिन CGST में ये क्या है सर, ये क्या बोल रहे हो? तो बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, CGST क्या है कि मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट GST लगा रही है, ऐसे याद रखो। ये ट्रिक है आपको याद करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई GST लगाया है। अब इसमें क्या होता है, जब कभी भी कम्युनिकेशन होता है ना, तो ये चार चीजों में से कोई ना कोई चीज जरूर होती है। वो चीज क्या है, फर्स्ट सी फॉर चेंज इन कलर, उस किसी भी चीज का ना कलर चेंज हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी। अगला वाला इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कभी रिएक्शन होगी ना तो उसमें गैस जरूर निकलेगी। जो मैंने आपको पीछे बताया ना, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या निकला था, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली थी, इवॉल्व हुई थी यहाँ से, तो ये क्या है बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो चेंज इन स्टेट, हो सकता है वो स्टेट भी चेंज कर दे, वो कुछ सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक करेक्टर है बताने का। लेकिन ये नहीं कि स्टेट चेंज, पानी से वो बर्फ बन गया तो ये केमिकल रिएक्शन, ना ना ना, वो सिर्फ एक ही वो इसको जस्टिफाई कर पा रहा है, बाकियों को नहीं कर पा रहा है, वो क्या रिवर्स हो पा रहा है, तो वो नहीं होगा, ये टाइप है, इसमें ये हो जाए तो ये होता है, ठीक है। मोर देन टू या मोर देन थ्री हो जाए, मतलब मोर देन टू या मोर देन या थ्री ऐसे हो जाते हैं, तो पता चलता है हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन जा रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है, तो आपको याद रखना। और अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो आप देखेंगे या तो वो मतलब या तो हीट को ले लेगा या वो हीट छोड़ देगा, तो ऐसे में क्या होता है उस वेसल का, उस रिएक्शन का ना टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो आप कहते हैं कि हाँ भैया टेम्परेचर चेंज हुआ है, कुछ हीट निकली है, कुछ हीट गई है, ये टॉपिक को मैं भी आगे कवर करने वाला हूं, इस पर चिंता मत लेना। तो वो क्या है आपका केमिकल रिएक्शन। तो गाइज आज की वीडियो को यही शॉर्ट में मैं खत्म करता हूँ। मेरा करने का रीजन क्या गाइस, मैं आपको ना एक एक बार दोबारा बता दूं क्या मैं लेकर चला रहा चैप्टर के अंदर। गाइस देखो मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कभी भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है नई प्रॉपर्टीज वाला, तो मैं क्या बोलता हूँ वो एक केमिकल रिएक्शन है। और जिसमें कभी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता प्रॉपर्टीज, मैं बोलता हूँ भाई वो फिजिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल इन नेचर, केमिकल रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल इन नेचर मोस्ट ऑफ, ठीक है। ये एग्जांपल्स बताते हैं आपके लिए, ये आपको एग्जांपल दिया क्या कि जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला और सल्फ्यूरिक एसिड में डाला और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और आपको जिंक सल्फेट यहां पर मिल गया, केमिकल रिएक्शन। बर्न मैंगनीज रिबन को बर्न किया और आपको क्या रिएक्शन मिली थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैं आपको बताऊंगा भी आगे चीजें चैप्टर के अंदर, सब खत्म करूंगा। तो गाइज बिल्कुल भी चिंता मत करो गाइज, जिस किसी को भी भाई चैनल की इस मैराथन में आगे जाना है, जुड़े रहो श्रीराम कोचिंग क्लासेस के साथ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। आपके और दोस्त जब यहाँ पर आके देखेंगे ना गाइज, होता क्या है ना यूट्यूब के एल्गोरिथम है, मैं यहाँ मदद करने के लिए बैठा हूँ, आप सब की मदद कर रहा हूँ, तो आप सब लोग अपने दोस्त को शेयर करने, वही सुन यार फटाफट सुन फटाफट सुन श्रीराम कोचिंग, आपको जरूर सब्सक्राइब करा, अंकित सर है भाई बिल्कुल आग लगा देते हैं भाई, धुआं उठा देते हैं, फटाफट वहां जा चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद देख वीडियोस को सानी का। तो गाइज आप इस कहते हैं पावन भाई कुंभ का मिल लगा, जो जो भाई स्नान कर रहा है ना, वो भाई पवित्र पावन भाई अपने सारे पापों को नष्ट कर रहा है, जो उसने टाइम वेस्ट किया, जो भी कुछ किया ना, सारे टाइम को वेस्ट किया था, लेकिन अब टाइम आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फ्री में पढ़ेगा, इस नॉलेज को सब जगह फैलाएगा और भाई अपना बेड़ा पार और आप सबका और देश के भविष्य में अपना योगदान देगा। तो गाइस आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, कल दोबारा लेकर आने वाला वीडियो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसलिए बहुत शॉर्ट रखा, तो गाइस आगे वाली और वीडियोज को भी देखना, और भाई खुश रहो मौज रहो और भाई पढ़ते रहो। बाय बाय गाइस।